पंजाब यूटी पेंशन संघर्ष कमेटी ने पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया, जिसमें समस्त कर्मचारियों ने अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि सरकार उन्हें छठे वेतन पे कमीशन के तहत वेतन दे और रिपोर्ट जनवरी 2016 के तहत उन्हें लाभ दिया जाए। आज पंजाब एंड ड्यूटी मुलाजम अते पेंशन एसोसिएशन दे सांझे फ्रंट दे सद्दे दे उपर पूरे पंजाब दे मुलाजम पंजाब सरकार दे खिलाफ रोस दा मुजहरा करन जा रहे ने सारे, क्योंकि जदों दी सरकार बनी है इन्हें जड़ियां सहूलतां दित्तियां सीगियां और हुण अनाउंस कीतियां सीगियां भी असीं इह कुछ दवांगे, वो देण दी बजाए दित्तियां होईयां सहूलतां दी खून जा रही है। पंजाब दे विच इन्हां ने वादा कीता सीगा कि असीं घर घर नौकरी देंगे, उहदी बजाए 8,500 दे लगभग नौकरी जिहड़ी आ उह खत्म करन जा रहे आ। कोई पे कमीशन दी रिपोर्ट ने कहा सी कि असीं बहुत जल्दी आंदे ही रिलीज़ कर देंगे, वो रिलीज़ नहीं की जा रही। डीए फ्रीज किया हुआ सीगा उन्हें रिलीज़ नहीं कर जा रहे और उदे तो बाद पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर जा रहे। और सब तो वड्डा वादा एक होर किया सी इन्हां ने कि असीं आंदे ही कच्चे मुलाजम जिहड़े आ उन्होंने पक्के कर देंगे, इन्हां विचों एक भी वादे उपर इन्होंने अमल नहीं किया। इस करके सरकार का रोस है, साडा रोस है इन्हां दे उपर और आने वाले समय के उपर अगर मंगा ना मंगियां तो इहदे संघर्ष जिहड़ा होर तिखा किया जाएगा। अपनियां मंगां नूं लै के पंजाब यूटी एम्पलाइज ते पेंशन जिहड़े लोक ने समुचे पंजाब दे ये सारे पिछले 6 तरीक तो लैके अज तक एंड ऑन स्ट्राइक ते रहे ने। अज सारे साथियों ने जिहड़े मिनिस्टर स्टाफ वाले ने उन्हां दे नाल 100 जथेबंदियां होर समेत सैक्रटेरिएट जिहड़ा समुचे तौर ते डायरैक्टोरेट जिहड़े ऑफिस ने सैक्रटेरिएट ने सारे हैड ऑफिस सारे ने वह सारे के सारे अपनी मंगां नूं लै के अज इस स्ट्राइक की रात ने उदा कार सरकारी चक्का जाम मुकम्मल तौर पर सरकारी मशीनरी आज की तारीख के बंद है और सरकार दियां नीतियां तो मजबूर होकर अगों भी जिहड़ी सूबा कमेटी है उन्होंने आवाहन किया कि 3 दिन लई 19, 20 और 21 तारीख तक 3 दिन की समूह छुट्टी लैके अपना एकता का प्रगटावा करते सरकार अपना रोष प्रगटावा करेंगे।